अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई एम परफेक्टली फाइन, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। यार इस वक्त जो है ना, मैं बैठी हुई हूँ अपनी गाड़ी में, यानी कि अपनी नहीं, मतलब द वन दैट आई यूज़ फॉर माई कम्यूट। एंड इस वक्त जो है ना, वो ड्राइवर को भेजा है कुछ सब्ज़ी और चेंज लेने के लिए। एक्चुअली जो मेरे इस वक्त हाथ में है, सो ही हैज़ गॉन देयर फॉर द फ्रूट एंड द वेजीज, सो लेट्स सी व्हाट ही ब्रिंग्स। एनीवेज गाइज, हम आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि घर गई और धूप में निकलना पड़ा मुझे गार्डन में, तो ये मेरी मोटिवेशन लेवल बड़ा ज़ीरो हो जाना है, इसलिए विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स जस्ट जंप इनटू द वीडियो। गर्मी शदीद है इस वक्त, तो बस बात कम करते हैं और ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हाँ, ड्राइवर साहब चेंज ऐसे तो कोई भी नहीं देता, वो ही करना पड़ता है। ये शुक्र है मैंने नींबू लेने या नींबू या दही ले लें, क्योंकि कड़ी पका लेते हैं। सो वी आर अबाउट टू रीच होम, ऑन द वे टू होम। बहुत गर्मी है भाई। उनकी रखी हुई थी। ओके, अल्लाह हाफिज़। हाँ हाँ, उसी ने रखी है। एनी वेज यार, हम घर आ चुके हैं और वी आर बहुत गर्मी है भाई बाहर, तो लेट्स गो इनसाइड। हम सो रही हैं, इधर कौन है? दरवाज़ा किसने खोला है? हाय, बहुत गर्मी है बाहर भाई। आप चल गए? ये क्या बना रहा है? ओ भाई यार, बड़ी गर्मी है बाहर। ओह, कपड़े धुल के आए और कमरे में इतनी प्यारी सर्च की खुशबू हो रही है। एनीवेज गाइस, वी आर होम एंड लुक एट, आई एम होल्डिंग सो मेनी थिंग्स विद मी। बैग आज तो बल्कि मैं छोटा बैग लेके गई थी। चले जी, अभी इसको रखते हैं और पंखा चंखा चलाते हैं। हम ही सो रही हैं तो आप लोगों से मिलना पड़ेगा फिर। गाइस, इफ यू डोंट नो मी, दिस इज नादिया एंड आई मेड दिल्ली व्लॉग्स फॉर यू गाइस। यानी कि दिल्ली का लिटरल मीनिंग है दिल्ली, ठीक है? तो अब ये है कि यार, आप लोगों ने ये करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को भी लाइक करना है, ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन मिले एंड वी कैन कनेक्ट। ये ऐसा कोई रूटीन तो नहीं है, हमने सिर्फ ये करना है कि एक तो अपने सर की मालिश करवानी है, बिकॉज मेरे बाल इतने शदीद किस्म के कोई ड्राई हुए हुए हैं ना कि मैं यहाँ पर उनको बता नहीं सकती। मतलब शायद इतने कैमरा में ना लगते हों, वैसे इतने नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बालों की केयर बहुत ज़रूरी है और मुझे तेल लगाते हुए और बालों का ख्याल रखते हुए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो एनीवेज, आज आंटी को बुलाना है, कामवली को, सर पे वो अच्छा से तेल लगाएंगी, मालिश करेंगी। और इसके अलावा ये कि बाकी अभी जो रूम की हालत है, इसको सेट करना है, क्योंकि ये कपड़े सपड़े अलमारी में जाएंगे, बेडशीट्स वगैरह तय होंगी आफ्टर दे ड्राई। खाना वगैरह मैं अपने वर्क प्लेस से खा के आएंगे, वहाँ से छूछ नहीं खाना, मुँह हाथ धोएंगे और उसके बाद जो है ना, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। टाइम हो रहे हैं 3:30। अच्छा यार, यहाँ पे मेरे पास कुछ कैंडीज़ हैं जो मैंने आप लोगों को दिखानी थी, और मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिए थे खाते हुए, और मैंने कहा मैं बाद में अपने व्लॉग में ऐड करूँगी। अब क्या, एक्चुअली स्कर्दू गई हुई थी और वो मेरे लिए वहाँ से लेके आई है। गिलगित स्कर्दू से इस तरह के खुबानी की कैंडीज़ मिलती हैं, और ये है तो कैंडी, लेकिन ये बड़ी खट्टी खट्टी होती है और अलग से पैकिंग होती है, तो इसलिए ट्रैवल फ्रेंडली आप रख सकते हो अपने बैग के अंदर, और बहुत टेस्टी होती है। हर किसी का अपना टेस्ट है, लेकिन इसका स्वीट और टैंगी सा टेस्ट होता है। और गर्मियाँ इतनी ज़्यादा आ चुकी हैं ना कि यहाँ पर मेरे सेल्स जो हैं एसी के ख़राब हो चुके थे, ख़राब यानी कि ख़त्म हो चुके थे, और इसको बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने दबा दबा के चलाया, और उसके बाद नए सेल्स फाइनली डाले हैं, तो सुकून मिला। अच्छा, यहाँ पे मैंने जितने भी क्लिप्स रिकॉर्ड किए हुए थे मैंने कल के परसों के, मैंने आप लोगों के लिए, ताकि मैंने कहा मैं शेयर करूँ एटलीस्ट। और कभी कभी मैं व्लॉग नहीं भी करी होती, लाइक मेरी इंटेंशन नहीं होती, लेकिन मैं फिर भी व्लॉग कर रही होती हूँ। लाइक मैं बगैर आवाज़ के, बगैर किसी एनर्जी के, कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर लेती हूँ अपने कैमरा पर। और मुझे ये होता है कि जिस दिन अगर मेरी एनर्जी नहीं हुई है, मेरे पास कॉन्टेंट नहीं हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आई कि मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करूँ अपनी रूटीन का, उस दिन मैं ये सारी चीज़ें डाल के आप लोगों से सारी बातें कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं बस अपनी गूगल के अंदर जो हमने बनाई हुई है एक, इसके अंदर पैसे डाल थी, और यार लिटरली मतलब कि इस तरह से थोड़े बहुत पैसे सेव हो जाते हैं कि आपके पास जो चेंज हो, जो एक्स्ट्रा पैसे पड़े हो, जो कैश हो, आप इसके अंदर डाल दो और वो लगते नहीं है, वो सेव हो जाते हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो गुड। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि आप लोग पैसे कैसे सेव करते हैं, अपने बैंक में रखते हैं, एटीएम कार्ड में रखते हैं, या फिर इस तरह करते हैं? जी, आप डोनट्स फ्रॉम तहजीब एंड
what the, I was not craving for these ones. मैंने खाए थे रिसेंटली, उनके अंदर कस्टर्ड फिल था और उसके ऊपर कोई कैरमल टाइप लगा हुआ था और चीनी भी थी. अब आई डोंट नो, बासत ये लेके आए हैं इंस्टेड. आई होप कि इनमें भी वही हो. बाय द वे आप बताएं आपको कस्टर्ड फिल डोनट्स पसंद है या नहीं. सो गाइस, इस वक्त मैं अपने कमरे में हूँ और मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरा एक दुख है जो मैंने आप लोगों से शेयर करना है. या मैंने पिछले ऑलमोस्ट पूरी जो है ना 3 हफ्ते से कपड़े दिए हैं सिलने के लिए. आप लोगों को याद होगा मैंने एक व्लॉग बनाया था, उसके अंदर मैं लेसेस लेके आई थी और वो लेसेस मैं इसलिए लेके आई थी ताकि मैं अपने कपड़े स्टिच होने के लिए दूँ. और ऑलमोस्ट ये ईद के करीब करीब की बात है. अब 3 हफ्ते हो गए हैं मेरे कपड़े मुझे नहीं मिले हुए, आज मिलने थे और आज भी नहीं मिले. सो आई एम अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड सैड. मुझे अचानक से वो बात याद आ गई क्योंकि मुझे ये था कि मैं अभी कपड़े चेंज करूँ और कपड़े चेंज करने में मुझे याद आया मेरे पास तो सारे नए कपड़े पड़े हुए हैं. और मेरी ये एक स्ट्रैटेजी है कि मैं नए कपड़े मतलब घर पर नहीं उस तरह से पहनती कैजुअल वेयर के लिए, डेली यूज़ के लिए. मुझे ये होता है कि यार एटलीस्ट जो नए कपड़े हैं वो एक दो दफ़ा बाहर पहन के फिर आप घर लगा लो, और घर के कपड़े और बाहर के कपड़े सेपरेट सेपरेट रखो. तो अब वो कुछ हो नहीं सकता उसका. एनीवेज ये पंखा जो है ना थोड़ा सा शोर कर रहा है, इसको इग्नोर करना है आप लोगों ने. बाहर यहाँ पे कपड़े जो है ना वो सारे आप लोग देख सकते हो कि धुल चुके हैं, लेकिन अभी जो है ना ये कपड़े रेडी नहीं हैं पहनने के लिए क्योंकि अभी सूखेंगे. सूखेंगे तो उसके बाद हम पहनेंगे. इस तरह के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते रहते हैं. एनीवेज इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करेंगे. आप लोगों ने ये करना है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशंस मिले. और व्लॉग्स बहुत लंबे इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि मुझे थोड़ी सी जो है ना मेरी एनर्जी आजकल हुई है डाउन. आई एम नॉट फीलिंग वेल. इंशाल्लाह जैसे आई फील वेल आई विल मेक बिग व्लॉग्स. बिग यानी कि कोई 8-10 मिनट का व्लॉग. आज का व्लॉग मैंने कोई मुश्किल से मर मर के 8 मिनट का बनाया जिस बिकॉज कि मैं जो है ना वो फील ही नहीं आ रही, मुझे फीलिंग ही नहीं आ रही. खैर कॉमेंट्स और व्यूज़ तो बहुत अच्छे होते हैं, बट स्टिल व्लॉग ना डालने से बेहतर है कि मैं थोड़ा बहुत कोई व्लॉग डाल दूँ, मतलब गुजारा चल जाए. ठीक है जी, आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आप लोगों से बात कर लूँ. दैट्स इट. आई विल कैच यू गाइस टुमॉरो विद अ न्यू व्लॉग. इंशाल्लाह टिल दैट टाइम टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज. ओके बाय.